हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात करते हैं पुणे के बहुत पॉपुलर शॉपिंग प्लेसेस के बारे में, जहां बहुत सारी शॉपिंग अपने बजट में कर पाओगे। शॉपिंग के लिए आपको इतनी वैरायटी मिलेगी इन मार्केट्स में कि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, सब खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। अगर मैं आपको कोई ऐसी जगह बताऊं जहां छोटे और बड़े मिला के 1000 से 1200 शॉप है, तो आप सोच सकते हो कि आपको वहां वैरायटी कितनी मिलने वाली है शॉपिंग में। दोस्तों आज की लिस्ट में 9th नंबर पे है क्लोव सेंटर एंड वंडरलैंड कॉम्प्लेक्स। क्लोवर सेंटर दोस्तों पुणे से 2.2 किलोमीटर के अंतर पे है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से यूज कर सकते हो, और अगर आपको ओला, उबेर, रैपिडो इसमें से कुछ भी यूज करना है तो अप्रॉक्स ट्रैवल कॉस्ट 50 से 60 रुपए आपको आने वाली है। नंबर 8 पे है पिंपरी मार्केट। दोस्तों किड्स, अडल्ट्स, कपल, रिलेटिव, फैमिली सबके लिए यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग से लेके स्टैंडर्ड और ब्रांडेड शॉपिंग तक सारी वैरायटी मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा मार्केट है। दोस्तों पिंपरी रेलवे स्टेशन से आपको सिर्फ 5 मिनट वॉक करना है और आप मार्केट में पहुंच जाओगे। ये बहुत नजदीक है। नंबर 7 लक्ष्मी रोड। दोस्तों यहाँ गारमेंट और टेक्सटाइल के बहुत सारे शॉप है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि कॉस्टिंग यहाँ कम है और वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ शॉपिंग करने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों पुणे से ये लोकेशन 3 किलोमीटर के अंतर पे है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ओला, उबेर या रैपिडो कुछ भी करनी है तो आपको 70 से 80 रुपए खर्चा आने वाला है। नंबर 6 एमजी रोड। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहां ना तो ब्रांडेड शॉप्स की कमी है ना तो स्ट्रीट शॉपिंग की कमी है, तो आपको अगर ब्रांडेड शॉपिंग के साथ साथ वैरायटी ऑफ स्ट्रीट शॉपिंग भी देखनी है तो एमजी रोड आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। तो दोस्तों एमजी रोड के बारे में आपके क्या सोच विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पुणे रेलवे स्टेशन से एमजी रोड 4 किलोमीटर के अंतर पे है, तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ओला, उबेर, रैपिडो इसमें से कुछ भी यूज करना है तो 100 रुपए के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। नंबर 5 हांगकांग लेन। दोस्तों ये जगह फेमस है बजट में वेस्टर्न शॉपिंग के लिए और ट्रेडिशनल जूते, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, इसी के साथ साथ बहुत सारी स्ट्रीट शॉपिंग। पुणे रेलवे स्टेशन से हांगकांग लेन सिर्फ 4 किलोमीटर के अंतर पे है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस आप आराम से यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको रैपिडो, ओला, उबेर या कोई भी रेंटल ऑटो करनी है तो आपको 100 रुपीज तक का खर्चा आएगा। नंबर 4 कोरेगांव पार्क। अगर आपको ब्रांडेड या फिर ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी और उनकी बहुत सारी वैरायटी ऐसी कुछ शॉपिंग करनी है ना, तो कोरेगांव पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप आसानी से यूज कर पाओगे क्योंकि कोरेगांव पार्क सिर्फ 4 किलोमीटर के अंतर पे है। ओला, उबेर कुछ भी यूज करोगे तो 100 से 120 रुपए के बीच में आपका खर्चा आएगा। नंबर 3 तुलसीबाग। दोस्तों ये पुणे की सबसे बड़ी शॉपिंग प्लेस है। मॉडर्न, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न किसी भी टाइप की शॉपिंग आप यहाँ कर पाओगे, और यहाँ इतनी वैरायटी है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से तुलसीबाग घूमना चाहो तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन से आपको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तुलसीबाग का, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस आप आसानी से यूज कर पाओगे। मैंने एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पे दिखाया है, या फिर आप ओला, उबेर, रैपिडो कुछ भी यूज करना चाहो तो आपका 80 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो आप तुलसीबाग जाने का प्लान कब बना रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 2 फैशन स्ट्रीट। दोस्तों पुणे में फैशन स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जो जानी जाती है क्लासिकल, मॉडर्न और वेस्टर्न क्लॉथिंग के लिए। यहाँ इतने सारे स्टॉल है और इतनी सारी वैरायटी है कि आपको बहुत मजा आएगा, और यहाँ की प्राइसेस भी पूरी बजट में मिलेगी। दोस्तों आप फैशन स्ट्रीट दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के अंतर पे है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज किया जा सकता है मैंने एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है। ओला, उबेर, रैपिडो अगर आप यूज करना चाहो तो 60-70 रुपीज आपको खर्चा आ सकता है। नंबर 1 पे है दोस्तों एफसी रोड। अगर आपको मॉडर्न और वेस्टर्न लुक चाहिए ना, वैसे वेयर्स चाहिए, शूज चाहिए, कपड़े चाहिए, तो आप एफसी रोड जरूर विजिट कीजिए। आपको यहाँ इतनी वैरायटी मिलेगी कि आपको शॉपिंग का मजा ही बहुत आएगा। 4 किलोमीटर के अंतर पे है दोस्तों एफसी रोड पुणे से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप आसानी से यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ओला, उबेर, रैपिडो यूज करना है तो 70 से 80 रुपए आपका खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी शॉपिंग शुभ हो।